आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि अभी हम आपको सबसे बड़ी खुशखबरी दे दूं या अपडेट दे दूं कि आपका जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 था उसका रिजल्ट जो है प्रकाशित हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने चेक कर लिया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो जल्द से जल्द चेक करें और अपना रैंक कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे और अपना मार्कशीट भी बता सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है आज प्रकाशित हो गया। आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत सारे बच्चों का नंबर भी आया होगा। जल्दी जल्दी चेक करें आप लोग। मैं आपको बता दूं कि चेक कैसे करना है, इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको वहां जाने के बाद डेट ऑफ बर्थ और वहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपका रिजल्ट जो है शो करेगा। जैसे मैं अभी आपको करके बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के नीचे जाओ, देखो वहां पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां सीधे जाएंगे साइट पर। तो सबसे पहले क्रोम खोलना है आपको। मे भी अगर आपको नहीं आता है करने तो मैं शुरू से बता दूं, लेकिन आपको इतना क्रोम खोलने की जरूरत नहीं है। आपको लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उसके डाउनलोड के पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिंक को पेस्ट करता हूँ, ये लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। जैसे आप लोग इस वीडियो के नीचे जो लिंक है क्लिक करेंगे ना, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ले जाएगा। ये आ जाएगा आपको डाउनलोड स्कोर कार्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए, एप्लीकेशन यहाँ पर नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम एक बच्चे का करके देखते हैं। तो मैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले डाल लूँ, उसके बाद जो है इनका डाउनलोड करके बताता हूँ। देखिए 32016, फिर यहाँ पर 59, ये हो गया इनका। और डेट ऑफ बर्थ जो भी इनका है वो डाल देते हैं, फिर इनका जो है आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए, फिर आपको हम बात कर ले तो यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ है 10/2 और फिर इनका क्या है 2004। ये करने के बाद डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नॉट फाउंड लिख रहा है। चलिए हम दूसरे बच्चों का चेक कर लेते हैं। आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग अपना चेक करेंगे, सही इनका गलत होगा मे भी। चलिए मैं दूसरे बच्चे का चेक कर लूँ। तो यहाँ देखिए इनका 72000, ये हो गया। फिर यहाँ पर 5667222, मे बी उस ये बच्चा जो दिया होगा गलती कुछ ना दिया होगा, इसकी वजह से नहीं आ रहा। इनका 25 है। तो चलिए इनका देखिए, इनका मैं करने का कोशिश करता हूँ, इनका तो हो ही जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चे गलती किया है, दोबारा तो नहीं करेगा कोई बच्चा। ये देखिए इनका 2001 है। ये लिखने के बाद जैसे डाउनलोड क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया इनका अर्चना कुमारी और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर इनका एप्लीकेशन नंबर। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपको जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक खुलकर आ जाएगा। ये देखिए इनका जो है मार्कशीट आ चुका है अर्चना कुमारी का। इनका रैंक जो है यहाँ पर देखिए, इनका मार्क्स यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर रैंक शो कर रहा है और यहाँ पर कैटेगरी रैंक शो कर रहा है। यहाँ पर जनरल और यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर कितना मार्क्स लिया है इन्होंने और यहाँ पर इस कैटेगरी का बिलोंग कर रहा है। इनका नेम और फोटो में अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत होगी, इसलिए मैं इनका ऐसे कर रहा हूँ। आप लोगों से कृपया है कि आप लोग इनको डाउनलोड नहीं करेंगे, बाकी इनका बेहतर ठीक है। तो ये इनका हो गया, समझ गए। तो इसी तरह जो आप लोग कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड करें और मुझे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे।